स्ट्रेट लाइन को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ ए लाइन को देखना है। अभी तक जितने फॉर्म देखे हैं वहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं थी। समस्या का मतलब है कि वहाँ पर कंडीशंस ओपन दी हो रहती थी लाइन के बारे में, तो हम लोग इजिली उसको कर पा रहे थे। आज जो लाइन ले रहे हैं वहाँ पर लाइन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। सबसे बड़ी समस्या ये स्टूडेंट के लिए, तो ध्यान दें इस वाले फॉर्म को आइडेंटिफाई करना, अप्लाई करना थोड़ा टफ है। क्यों टफ है? इस स्टेटमेंट को जब हम पढ़ेंगे तो वो समस्या समझ में आएगी। यहाँ देखिए लाइन की इक्वेशन निकालनी है, बट जो परपेंडिकुलर दिया गया है, मतलब जो परपेंडिकुलर यहाँ दिखाया गया है, जो यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा और उसकी लेंथ क्या है, पी है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। जब लाइन की इक्वेशन ये इसलिए लिख दी गई जिससे कि आप पहले याद कर लें। तो देखो एंगल जो है वो लाइन का एंगल एक्स एक्सिस से नहीं है, पहली बात, फर्स्ट थिंग नोट करने वाली है, इसको आप ध्यान दें। और जो लेंथ पी है वो भी लाइन का इससे कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन क्या है कि लाइन पर जो परपेंडिकुलर डाला जा रहा है उसकी लेंथ है। प्रूफ जब करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे रिलेट हो रहे हैं, तो इसकी प्रूविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रूविंग पे देखेंगे, वो आप ध्यान से समझिए अगर आपको इस लाइन के बारे में समझना है तो, अदरवाइज आपको ये लाइन के बारे में समझना बहुत टफ हो जाएगा, आगे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो ज्योमेट्री में देखिए जो फिगर यहाँ पर ओ डी बी लिया गया है उसको अगर सही तरीके से यहाँ पर दोबारा से हम लोग ड्रॉ करें, जैसा कि यहाँ दिखाया है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। आप अगर सेप वाइज देखेंगे तो थोड़ा अंतर लगे, बट मैच कराएंगे आप वर्टाइसिस से। तो देखिए ओ ये लिए गई है, डी ए ली और बी ए ली, तो ओ डी पर ही एंगल बना है जो यहाँ पर दिखाया गया ओ डी। तो यहाँ पर ओ डी लग रहा है कि ये लाइक हाइपोटेनिस है, पर यहाँ देखें तो ओ डी क्या लिख रही है, बेस। बताया जाता है कि जिस पे एंगल बना हो वही बेस होगा, तो ओ डी बेस हो गई। और जो यहाँ पे देखिए ओ बी 90 के जो सामने होती है, अपोजिट जो होती है वो क्या होता है उसका, हाइपोटेनिस। तो देखिए 90 के सामने अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि हाइपोटेनिस है, क्योंकि हमें हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग इस तरीके से कंसिडर करते हैं। तो अगर आप ज़्यादातर बच्चे इसी में कंफर्टेबल हैं तो इसको हमने दोबारा से यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब देखिए ये बेस हो गया, ज़्यादा अगर डीप में ना जाएं, और ये इसका हाइपोटेनिस हो गया। तो कॉस अल्फा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनिस, ये आपको फॉर्मूला पता होगा। ओ डी कितना है, पी, ओ बी कितना है, एक्स बराबर कॉस अल्फा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी अपॉन कॉस अल्फा, और पी बराबर क्या हो जाएगा अगर पी निकालें तो एक्स कॉस अल्फा, जो भी अभी जरूरत पड़ेगी आगे हम लोग देख लेंगे। अब जो ऊपर वाला ट्राइंगल था ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उस राइट एंगल ट्राइंगल को हमने यहाँ पे दिखाया। देखिए आप मैच कर सकते हैं, ए डी जो हमने लिया है यहाँ पे, तो ए डी देखिए ये है, और जो हमने ओ डी लिया है वो ओ डी यहाँ पर है, और ओ डी हमारा क्या है, पी है, परपेंडिकुलर है, तो ओ डी यहाँ ले लिया और ओ ए ले लिया। तो अब इस ट्राइंगल में क्लियर समझ में आ रहा है कि ये हमारा हाइपोटेनिस है जो वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन था, और ये हमारी परपेंडिकुलर है और ये एंगल अल्फा। अब समस्या ये है, हो सकता है आप कन्फ्यूज हो कि अल्फ़ा कैसे बना, तो ये देख लेते हैं कि अल्फ़ा कैसे आया। देखिए ये हमारा अल्फ़ा है, तो ये वाला एंगल जो होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तो आपको कन्फर्म है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक्सिस पे जो भी एंगल बन रहा होता है ओरिजिन पे वो राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री। ये 90 माइनस अल्फा हुआ, आपको इतना समझ आ गया कि 90 माइनस अल्फा, ये 90 हो गया। अब तीनों का सम करेंगे तो अगर यहाँ पे अल्फा होगा तभी 180 हो पाएगा, तो इसकी हेल्प से ये निकाला और ये 90 था ही, तो ये अल्फा आ गया कि नहीं, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है तो अल्फा आ गया। अब वही चीज़ फिर से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस साइन में एंगेज होते हैं, जैसे यहाँ पर एक्स आया वैसे y बराबर p अपॉन साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक, देखिए हमने क्या किया, x और y निकाल लिया, यहाँ पे देखें ये x निकाल लिया और y, ये हमारे इंटरसेप्ट है, क्या है, तो अगर इंटरसेप्ट फॉर्म देखें, इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आपको याद होगी, याद नहीं है तो आपको अगर ये चीज़ दिक्कत हो रही तो आप पीछे वाले वीडियोस में जाके इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, सारे फॉर्म अलग अलग वीडियोज़ अपलोड किए गए, आप ज़रूर उनको देख लें, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो वहाँ दिया गया था कि x अपॉन ए और प्लस y अपॉन b बराबर 1, ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया था कि जो a और b हैं वो x एक्सिस और y एक्सिस पे रिस्पेक्टिवली इंटरसेप्ट है, अंताखंड है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है। तो यहाँ देखिए x को माना गया इंटरसेप्ट और y को, तो x बराबर हमने देखो जो हमें डेटा दिया उसके फॉर्म में हम लाए हैं, क्या लाए हैं, x बराबर p अपॉन कॉस अल्फा, ये प्रूव किया, और y बराबर सिमिलरली p अपॉन
साइन अल्फा, तो उस फॉर्म में हम लोग एक्स जो इसी को ए मान रहे हैं, हम लोग क्या मान रहे हैं ए, और इसी को क्या मान रहे हैं बी, तो ए और बी की जगह बात को समझे। जैसे इसको हम बार बार बता रहे हैं कि एक्स और वाई मानने से आप कंफ्यूज ना हो, इंटरसेप्ट अगर मानेंगे तो ये ए है और ये बी है, जो इसको ए और बी यहां माना है। बार बार हम इसको रिमाइंड इसलिए कर रहे हैं कि आप एक्स और वाई को कंफ्यूज होकर यहां ना रखें, ठीक। तो ए और बी की जगह रखने जा रहे हैं, तो ए बराबर क्या है पी अपॉन कॉस अल्फा और वाई अपॉन पी अपॉन साइन अल्फा बराबर, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी, ठीक। प्रूविंग जरूरी नहीं कि, और या कोई एग्जाम में भी ऐसा कोई नीड नहीं है कि प्रूविंग आती है, बट प्रूव करने से जो भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होते हैं उनका कॉन्सेप्ट समझ आता है। था ही इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट निकाला किस की हेल्प से, जो परपेंडिकुलर डाला गया और उसकी इंफॉर्मेशन ये दी गई थी कि अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस और इसकी लेंथ क्या है पी है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म को ही एक्सटेंड कर दिया गया। तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर वन जो हमने फॉर्म सीखा था उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया, तो एक नया फॉर्म निकल के आ गया, नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। कहने का मतलब लाइन पर जो नॉर्मल या परपेंडिकुलर डाला जा रहा है ओरिजिन से उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है और लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। तो आगे क्वेश्चन हम लोग एक ऐसा ही लेंगे जिससे कि आप मोर क्लियर हो पाए, अच्छे से समझ में आए और ढंग से आप समझ पाए और आगे क्वेश्चंस कर पाए। चलिए देखते हैं कि अभी जो फॉर्म देखा है वो उस पर क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई किया जाए। पहले एक बार इतना से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ज्योमेट्री देखेंगे, फिर जो भी डेटा दिया गया है और उसको फॉर्मूले से कैसे इंटरलिंक करना है और आंसर कैसे लाएंगे, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान देंगे बारी बारी से। तो देखते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द ओरिजिन टू अ लाइन इज 7। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाला गया उसकी लेंथ क्या है 7। ये डेटा आपके सामने इसलिए दिखा रहे हैं, ज्योमेट्री में कुछ पार्ट दिखा रहे हैं, कुछ पार्ट पहले करके रखे हैं इसलिए कि जो बात इंपॉर्टेंट है वो समझ पाए। तो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है 7 है और इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि ये इट मेक का मतलब है कि ये परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 30। और उसने बोला है कि देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो लाइन की इक्वेशन मतलब ये जो ए बी से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ लाइन जो एल है उसकी इक्वेशन बतानी है। विच इज इंक्लाइंड एट राइट एंगल, मतलब जिस पर ये राइट एंगल परपेंडिकुलर डाला गया है या ये परपेंडिकुलर जिस पर राइट एंगल है उस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो बताया गया था जब भी लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन ना दी गई हो, लाइन पर जो परपेंडिकुलर डाला जा रहा है ये जो ओडी डाला गया है उसकी लेंथ दी गई उसका एंगल एक्स एक्सिस से दिया गया हो, तो डायरेक्टली अभी आपको फॉर्मूला बताया गया एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी, जहाँ पर अल्फा जो है उस परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस से एंगल है तो 30 डिग्री होगा और परपेंडिकुलर की लेंथ वो पी है वो 7 है। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में नॉर्मल फॉर्म में अल्फा और पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लाइन की इक्वेशन आएगी, तो x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल्स टू 7। इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है, cos 30 की वैल्यू अगर आपको याद ना हो तो √3/2 और y sin 30 की वैल्यू 1/2 बराबर 7, तो इसको आप रीराइट करेंगे तो √3 x प्लस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब है जो ये ए बी से पास होने वाली रेखा का समीकरण। यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म क्यों लगाया गया आपने जाना होगा। आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला जाए तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर इस फॉर्मूले में रख देनी है। अल्फा जो है लाइन का स्लोप ना होके जो परपेंडिकुलर डाला गया है उसका एक्स एक्सिस से झुकाव है और पी जो है वो लेंथ है जो ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर लाइन पर डाला गया उसकी लेंथ है। ये ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल है, एक बार बार समझना है आपको। जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उनको नोट कर लें, इतना से आप नोट कर लें जिससे कि इसीलिए हम इधर खड़े हुए हैं जिससे विजिबिलिटी हो। सारे क्वेश्चंस एक साथ एक जगह देना इजी नहीं है, पहले बताया गया। आपको लगता होगा कि क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिए गए, 5 क्वेश्चंस लिख दिए गए, मगर कोई भी बुक्स आप देखेंगे तो वहाँ पर एक टाइप के क्वेश्चंस मिलना टफ होता है। जो क्वेश्चंस लगा रहे हैं वही समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक साथ एक जैसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। कोऑर्डिनेट जैसा कि पहले ही बताते चले आ रहे हैं कि थोड़ा टफ है, बट जो लास्ट तक करते रहेंगे उनके लिए थोड़ा सा आसान होगा। क्वेश्चंस हो सकता है कि लेंथी आपको लगे आज वाले,
ऑब्जेक्टिव नहीं दिए गए हैं, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव बनाना भी क्वेश्चंस थोड़ा टफ है, एक टाइप क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव ले आना टफ है, बट जैसा कि कमिटमेंट किया गया कि सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कोशिश की जाएगी आप प्रैक्टिस कर पाए तो आप ज़रूर करें, और कोई भी दिक्कत हो आप आगे बोल सकते हैं। हम लोग सारी क्वेश्चंस से रिलेटेड प्रॉब्लम को ज़रूर कंसीडर कर रहे हैं, आपके फीडबैक के माध्यम से फीडबैक जरूर देते रहें, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करने के प्रयास करेंगे। थैंक यू।